पाकिस्तान की सैर, आला दर्जे का उर्दू मज़मून। 2 साल पहले गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने दादा जान से मिलने पाकिस्तान गए थे। मेरे दादा का घर इस्लामाबाद में है, जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। मैं इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान जा चुका हूं, मगर उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए कोई ख़ास सैर ना कर सका। इस बार मेरे चचा ने मुझे कई नई जगहों की सैर कराने का वादा किया था, लिहाजा हमने हिफाजती टीके लगवाए और अपनी परवाज के दिन का शिद्दत से इंतज़ार करने लगे। आखिर खुदा खुदा करके हमारी छुट्टियां शुरू हुईं और हम एक तवील परवाज के बाद पाकिस्तान पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर मेरे चचा हमें लेने के लिए आए हुए थे। पहले चंद दिन तो हम घर में ही रहे और सब रिश्तेदारों से खूब दिल भरकर बातें कीं। इसके बाद चचा जान हमें मकामी जगहों की सैर के लिए लेकर गए। वैसे तो मुझे ये सब जगहें बहुत अच्छी लगीं, मगर दामने कोह की तो बात ही और है। शहर में तो अच्छी खासी गर्मी थी, मगर जब हमारी गाड़ी पहाड़ पर चढ़ना शुरू हुई तो हवा में खुनकी महसूस होने लगी। मारगला पहाड़ियाँ खुद तो खूबसूरत हैं ही, मगर ऊपर से सारा शहर इंतहाई दिलकश मंज़र पेश करता है। ये मंज़र देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसके अलावा मुझे रावल झील भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ आप कई चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ हमने मछलियाँ पकड़ी और कश्ती में भी बैठे। 2 साल बाद हम इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान जाएंगे। इस बार हम लाहौर और कराची भी जाएंगे। कराची में हम मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे और साहिल समंदर की सैर करेंगे। लाहौर में हम ना सिर्फ तमाम तारीखी मकामात की सैर करेंगे, बल्कि बाज़ारों में भी खूब घूमे फिरेंगे, क्योंकि वहाँ की लिबर्टी मार्केट और अनारकली बाज़ार ख़रीदारी के लिए पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। उर्दू सीखने या सिखाने के लिए इस मज़मून पर तैयार की गई सरगर्मियों पर काम करने के लिए मेरी वीडियो पाकिस्तान की सैर 1 और 2 देखें। तफसीलात नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में।